एंशिएंट ग्रीक्स जैसे एरिस्टोटल ने कहा था कि अर्थ के साउथ में भी कोई ना कोई लैंडमास जरूर है, जिसकी वजह से पूरी नॉर्थ लैंड बैलेंस है। ये लैंड ग्रीक्स ने कभी नहीं देखी थी, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं विश्वास था कि ऐसी कोई लैंड जरूर मौजूद है, और उनका ये विश्वास 100% सही निकला। फैक्टफुल फ्राइडे की आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बहुत साल पहले गुम होने वाली ये जमीन इंसानों को मिली। ग्रीक्स ही थे जिन्होंने एंटार्क्टिका का नाम पहली बार इस्तेमाल किया। ग्रीक्स आर्टिक के बारे में तो जानते थे, जिसे वो आर्कटोस कह के बुलाया करते थे। आर्कटोस का मतलब होता द बियर, जो उन्हें ग्रेट बियर के कॉन्स्टेलेशन से पता चला था। वो ये जानते थे कि आर्कटोस के साउथ में एक और जमीन का हिस्सा है, जो दोनों यानी नॉर्थ और साउथ को बैलेंस करता है, और जिसे ये एंट आर्कटोस कहकर बुलाते थे, जिसका मतलब होता ऑपोजिट ऑफ द बियर। बहुत सालों तक ग्रीक्स एंट आर्कटोस की बात करते रहे, जिसके बहुत सालों बाद यूरोपियंस ने 15 सेंचुरी में एरिस्टोटल के इस एंट आर्कटोस को टेरा ऑस्ट्रेलस इनकॉग्निटा कहकर बुलाया। इस नाम का मतलब होता अननोन सदर्न लैंड। बहुत सालों तक बस यही सोचा जाने लगा कि एंटार्क्टिका एक फैंटेसी कॉन्टिनेंट है, हालांकि कुछ ही अरसे में ये फैंटेसी रियलिटी में बदल गई। 1773 में जेम्स कुक और उनके साथियों ने एंटार्क्टिक सर्कल पहली बार क्रॉस किया। एंटार्क्टिक सर्कल क्रॉस करते ही उन्हें कुछ छोटे छोटे आइलैंड मिले, ना कि कोई ऐसा कॉन्टिनेंट जो नॉर्थ और साउथ को बैलेंस करता। कुक का ये कहना था कि जितना सफर उन्होंने एंटार्क्टिक सर्कल का किया है, उनके अलावा कोई भी आदमी कभी भी उसके आगे नहीं पहुंच पाएगा। कुक को अपने ऊपर बहुत विश्वास था, लेकिन 48 सालों के बाद ये विश्वास टूट गया। दरअसल कुक अपने सफर के दौरान सिर्फ 128 किलोमीटर दूर थे एंटार्क्टिक कोस्ट से। 27 जनवरी 1820 में एक रशियन सफर की तैयारी हुई, जिसका कमांडर इन चीफ थे बिलिंग्स श्यूएसन। इन्होंने जेम्स कुक की बात को गलत साबित करते हुए एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट को पहली बार देखा, लेकिन इनका नाम पहले एक्सप्लोरर के तौर पर नहीं आता। इनकी गलत बयानी की वजह से इनके नाम को ऑनर नहीं किया गया, और इनकी जगह एक साल बाद जॉन डेविस को पहला शख्स माना गया जिसने एंटार्क्टिका पर कदम रखा। अब जब सबको एक नया कॉन्टिनेंट मिल ही गया था, तो सबने ही उसके अंदर के राजों को जानने की कोशिश की। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फैल्कन 1902 में इंग्लैंड से सफ़र करते हुए एंटार्क्टिका की ज़मीन तक पहुंचे। वो एंटार्क्टिका के मिड में जाना चाहते थे, लेकिन हार्श क्लाइमेट की वजह से उनका ये सपना नाकाम हो गया। बर्फ से भी ज़्यादा ठंडे क्लाइमेट की वजह से रॉबर्ट को अपनी टीम के साथ इंग्लैंड वापस आना पड़ा। उसके बाद एक आयरिश मैन जिनका नाम अर्नेस्ट हेनरी था, उन्होंने भी एंटार्क्टिका का सफ़र किया और अपनी जान बचाते हुए मौत के मुंह से वापस आए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी थी। 1908 में वो पहली बार एंटार्क्टिका पहुंचे, और इस बार वो पोलर प्लेट्यू से होते हुए पोल से 180 किलोमीटर पीछे तक पहुंचे, जिसके बाद उन्हें वापस आना पड़ा। लेकिन एंटार्क्टिका की ज़मीन के ये सफ़र रुके नहीं, बल्कि 1910 में दो और सफ़र तय किए गए। पहला सफ़र नॉर्वेजियन रोनाल्ड एमंडसन ने लीड किया, और दूसरा रॉबर्ट फैल्कन। एमंडसन आर्टिक सर्कल को पार कर चुका था और वर्स्ट क्लाइमेटिक कंडीशन से वाकिफ था, और यही वजह थी कि उन्होंने और उनकी टीम ने वो चीज़ हासिल की जो पहले कोई भी ना हासिल कर सका था। 14 दिसंबर 1911 को पूरे 99 दिनों और 1400 नॉटिकल माइल के बाद एमंडसन ने नॉर्वे का झंडा साउथ पोल पर लहराया, और इस तरह एमंडसन पहला साउथ पोल पर पहुंचने वाला शख्स बन गया था। ठीक 33 दिनों के बाद फैल्कन भी साउथ पोल तक पहुंच गए। वो दोनों ही बहुत खुश थे उस कॉन्टिनेंट के बीच पहुंचकर, जहां कोई भी नहीं पहुंच पाया था। लेकिन इस जीत के बदले एंटार्क्टिका ने उनसे उनकी जानें ले ली। वो दोनों ही
एंटार्क्टिका में अपनी टीम्स के साथ मर चुके थे। बहुत सालों तक बहुत सी कंट्रीज एंटार्क्टिका की ओनरशिप पर लड़ती रहीं। बिलाखिर 1959 में 12 कंट्रीज ने एंटार्क्टिक ट्रीटी साइन करके एंटार्क्टिका पर अपनी ओनरशिप पक्की की। अब ये कॉन्टिनेंट सिर्फ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की जगह बन चुकी है। वो कॉन्टिनेंट जिस पर कभी डायनासोर आए थे, आज साइंटिस्ट की मशीनों में कहीं छुप सा गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कॉन्टिनेंट पुराने जमाने में कैसा था, तो एंड स्क्रीन पर आने वाली इस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेसोपोटामिया का वो इतिहास कौन सा था जिसने इंसानी सिविलाइजेशन की दुनिया में बुनियाद रखी, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक देखते रहें माजी पास्ट कल, जहां इतिहास खुद बोलता।